मित्रों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के धर्म युद्ध में कर्ण एक शक्तिशाली और वीर योद्धा थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था, तब युद्ध के दौरान अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता था और कर्ण का तीर लगने पर अर्जुन का रथ 2-3 हाथ मात्र ही पीछे खिसक पाता था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते नहीं थकते थे। आखिर में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने भगवान से पूछ ही लिया कि मेरा बाण लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जा रहा है और कर्ण के बाण से मेरा रथ केवल 2-3 हाथ मात्र ही पीछे खिसक रहा है, फिर भी आप मेरी प्रशंसा करने की बजाय कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, कर्ण में ऐसा क्या कौशल है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा करने के लिए ध्वजा पर बजरंगबली हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और संपूर्ण सृष्टि का भार लिए हुए सारथी बनकर मैं स्वयं विराजमान हूँ। फिर भी कर्ण इस रथ को 2-3 हाथ पीछे खिसका देता है, तब तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है जो प्रशंसनीय है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसका प्रमाण दिखाने के लिए रथ से उतारकर दूर ले जाते हैं। रथ में से उतरते ही अर्जुन का रथ जोरदार धमाके के साथ भस्म हो जाता है। यह रथ कर्ण के बाणों के प्रहार से कब का नष्ट हो चुका था, लेकिन भगवान नारायण इसमें स्वयं विराजमान थे, इसलिए सुरक्षित बचा था। तो मित्रों, महाभारत के धर्मयुद्ध की घटना पर आधारित हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें, और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज। मित्रों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।